हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे करेला की चिप्स। ये बहुत हेल्दी होता है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं करेला की चिप्स बनाना। मैंने यहाँ 250 ग्राम करेला लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके इसे सेम साइज में राउंड शेप में कट कर लिया है। सेम साइज में कट नहीं करेंगे तो एक जल जाएगा और पकेगा नहीं, दूसरे अलग अलग शेप में होगा। तो अभी मैं उसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। अभी मैं उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और अभी उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिली पाउडर। आप अपने हिसाब से चिली पाउडर डाल सकते हैं। और अभी उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अभी मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो कोई भी फ्राइड चीज़ बनाती हूँ तो थोड़ा सा अजवाइन डालती हूँ। और अभी मैं उसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून जितना बेसन, 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून जितना राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। और उसको अभी अच्छे से मिक्स करना है हमें। और उसमें अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून जितना ऑयल डाला मैंने। और उसमें अभी हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 2 स्पून जितना पानी होता है, 2 या 3 स्पून। आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, उतना ही पानी डालना है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम तेल गरम कर लेते हैं कढ़ाई में इसको फ्राई करने के लिए। तेल हमारा कढ़ाई में गरम हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मैं उसमें हमारा करेला एक एक करके डाल देंगे। करेला डालने के टाइम ध्यान रखिएगा एक एक कर ही डालना है, क्योंकि एक साथ अगर डाल देंगे तो वो एक दूसरे में चिपक जाएगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं और इतना अच्छा क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। और डालने के बाद उसको बीच बीच में ऐसा चलाते रहना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-6 मिनट में ये फ्राई हो जाता है। और गैस का फ्लेम हाई रखना है और इसको चलाते हुए ऐसा फ्राई करना है। अभी इसमें कलर थोड़ा सा अच्छा आ गया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेड कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी उसको हमें अभी निकाल लेना है। ये अच्छे से क्रिस्पी बन गया है और पक भी गया है। अभी उसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम हमारा जो दूसरे सब करेला का चिप्स है उसको सब फ्राई कर लेंगे। करेला का चिप्स बनके तैयार है। ये बहुत अच्छा बना है और क्रिस्पी भी बना है। आप ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।